चाहिए, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है। पहली शर्त आयद होती है उन पे नॉलेज की कमी। जी, नॉलेज की कमी भी आयद होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रुफियल कलम अन सलास, तीन की कलम उठी हुई है। कलम उठी हुई है यानी कि उनके गुनाह लिखे नहीं जा रहे, जो फरिश्ते लिख रहे हैं वो फरिश्ते इनके नहीं लिख रहे हैं। एक पागल जब तक अकल ना आ जाए, नंबर दो सोया हुआ जब तक जाग ना जाए, और नंबर तीन बच्चा जब तक बुलूगत तक ना पहुंचे। अब इसमें मान लीजिए कि कोई बच्चे ने कोई चीज़ की, जैसे कहीं कहीं जगहों पे आता है कि कोई बच्चे ने ऐसा किया तो उसको ये सजा नाफिज की जा रही है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चे की कलम उठी हुई यानी उसके गुनाह नहीं लिखे आ रहे हैं। जब उसकी गुनाह नहीं लिखे आ रहे हैं उसके तो सजा भी नहीं हो सकती। सजा तो तब होगी जब गुनाह होगा, गुनाह ही नहीं होगा तो सजा कहां से हुई। उसी तरह कोई पागल आदमी ने अपने पागलपन में कोई बात कह दी तो इस्लाम ने उस चीज को दरगुजर किया है, क्योंकि ये फॉरगिवन है, उसकी कलम उठी हुई है। यहाँ पर एक ज़मीनी सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि पागल में स्टेजेस हैं, लाइक एक कंप्लीटली लॉस्ट और एक थोड़ा सा जिसका दिमाग चल गया है, कि उस पे भी ये चीज़ आयद होगी। केस टू केस बेसिस पे डिपेंड होगा, जो उस वक्त पर उसका बैकग्राउंड देखकर उसके ऊपर ना इंसाफी और जुल्म ना हो। बेसिक रूल ये है कि किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 40, इन अल्लाह ला यज़लिमु मिथक़ाला ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी ना इंसाफी नहीं करता। अल्लाह चाहता नहीं कि किसी पे ना इंसाफी हो, ना इंसाफी का सिस्टम देगा, क्योंकि हमारा मालिक चाहता है इंसाफ हो, जो दुनिया का बनाने वाला है।